सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सब सही होंगे और कोई भी इस आदमी की तरह गोकू बनने की कोशिश नहीं कर रहा होगा। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आखिरकार कौन अगला होगा कि बनेगा जब नरूटो मर जाएगा। तो चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं कई कैरेक्टर्स के नाम बताऊंगा और सभी के बारे में कुछ पॉइंट्स रखूंगा जो मुझे सही लगते हैं, जो सूटेबल हैं उनके लिए और क्यों वो होकागे बन सकते हैं नरूटो के बाद, नरूटो की जगह ले सकते हैं। अब देखो, नरूटो कैसे भी मर सकता है, चाहे वो किसी एनिमी जो अटैक करे उसमें मरे, या फिर किसी बैटल फील्ड में मरे, या फिर बीमार होने की वजह से मरे, या फिर कुछ भी, वो किसी भी तरह मर सकता है। जब नरूटो मर जाएगा तो उसकी जगह किसी ना किसी को तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर विलेज के अंदर कोई होकागे नहीं रहेगा तो जो एनिमीज होंगे उनको आसानी होगी विलेज पर अटैक करने के लिए और विलेज पर कब्जा करने के लिए। तो किसी ना किसी ऐसे होकागे को विलेज की देखभाल के लिए बनाना पड़ेगा जो विलेज को सही से संभाल सके और विलेज की पूरी देखरेख कर सके। तो जो सबसे पहला नाम जो सामने निकल के सीधा सीधा आता है वो है सास्के। इसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता जो नरूटो के बाद इस पोजीशन के लिए डिजर्विंग हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। नरूटो के बराबर की जो स्ट्रेंथ है, पावर है, और इसके पास अलग अलग आइडियाज़ होते हैं अलग अलग सिचुएशंस के अंदर कि अगर मैं इस जगह हूँगा, ये प्रॉब्लम हुई तो मैं क्या करूँ। तो इसीलिए मैंने इसको इस जगह पर रखा। और सबसे बड़ी बात, ये एक उचिहा है और इसके पास शरिंगन है, तो इसके पास एक एडवांटेज है कि ये एनिमी से एक स्टेप अहेड रहेगा। तो जो सेकंड नंबर पे आता है वो है शिकामारू। हाँ, मुझे लगता है ये सही रहेगा, हालांकि ये बहुत लेजी है, ये खुद भी एडमिट करता है कि ये लेजी है। इसके जो टीचर हैं वो भी ये बोलते हैं कि ये बहुत लेजी है, ये किसी भी चीज़ में उतना घुलना मिलना नहीं चाहता, ये अपनी दुनिया में खुश है। लेकिन ये बहुत सही रहेगा नरूटो के बाद, नरूटो की अगर डेथ होती है किसी भी तरह तो उसके बाद ये होकागे बन सकता है। थर्ड नंबर पे आते हैं जिनके सबसे ज़्यादा चांसेस है होकागे बनने के नरूटो के बाद, वो है काकाशी और ये, इसका नाम आप स्क्रीन पर देख लो। अगर नरूटो मरता है तो इन दोनों से कोई भी नेक्स्ट होकागे वापस बन सकता है। हालांकि ये दोनों पहले भी ये होकागे बन चुके हैं, लेकिन नरूटो के बाद ये दोनों वापस बन सकते हैं क्योंकि विलेज को एक होकागे की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये दोनों नरूटो के बाद वापस होकागे बने, क्योंकि जब फोर्थ मरा था, यानी कि जब नरूटो के डैड मरे थे, तो उसके बाद उसकी जगह थर्ड ने ले ली थी, और जब थर्ड मरा था तो फिफ्थ आ ही गया था। तो उसी तरह अगर नरूटो मरता है तो उसकी जगह ये पहले वाले जो होकागेज हैं जैसे काकाशी और ये, तो ये उसकी जगह ले सकते हैं। अब जो फोर्थ नंबर पर आता है वो है कोनोहमारू, और अगर मैं सही बताऊँ ना तो इसी के मुझे सबसे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं जो होकागे बन सकता है नरूटो के बाद। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं और कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, इसका भी ड्रीम है कि ये बड़ा हो के होकागे बने। तो मतलब जब नरूटो मर जाएगा तो इसका ड्रीम है कि ये होकागे की सीट पे बैठे। ये स्टार्टिंग से ही नरूटो को अपना टीचर मानता है और आगे जाके नरूटो इसको टीचर बना भी, इसको ट्रेनिंग भी कराई थी, और ये थर्ड होकागे का ग्रैंडसन भी है। तो उसके पास कुछ तो ऐसी बात है कि आगे जाके नरूटो की जगह ले सकता है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट और थोड़ा ये लॉजिकल पॉइंट्स बताने वाला हूँ, तो सुनना ध्यान से। अब जो फोर्थ है वो होकागे बने, यानी जो नरूटो के डैड है वो होकागे बने, और उसका स्टूडेंट था काकाशी, वो भी आगे जाके होकागे बना, और जो काकाशी है उसका स्टूडेंट है नरूटो, और नरूटो भी आगे जाके होकागे बना, और जो नरूटो है उसका स्टूडेंट है कोनोहमारू, अब वो भी आगे जाके होकागे बन सकता है। ऐसे मुझे चांसेस लग रही है इन सारी चीज़ों को देख के, तो हो सकता है कि आगे जाके नरूटो की जगह ले। सो बस गाइज, आज का वीडियो इतना ही है। उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये पहली बार है कि मैं पोकेमॉन को छोड़ के किसी और एनिमे पे वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता आपको वीडियो कैसा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट्स तो बताना कि मैं ऐसे ही किसी और एनिमे पे वीडियो बनाऊँ। और अगर आपको आवाज़ में थोड़े चेंजेस लग रही हो तो सॉरी, क्योंकि सुबह 5 बजे उठ के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यार दिन में टाइम नहीं मिलता और घर पे भी लॉकडाउन चल रहा है तो सब साथ रहते हैं तो मौका नहीं मिलता, तो बस इसीलिए ये सब हो रहा है। और अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना तो कर देना, जिससे नेक्स्ट वीडियो जब आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।